राजघाट थाने की पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि राजघाट पुलिस और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर हरबट बंधे के पास 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान अजय कुमार पुत्र अमरजीत हरिजन, अमरावती देवी पत्नी अमरजीत निवासी हरिजन बस्ती नौसर थाना गीडा के रूप में हुई। दोनों के पास से 50 लीटर अवैध शराब और आधा किलो नौसादर बरामद हुई। उसके बाद टीम नरकटिया हरबट बंधे पर पहुंची, वहां पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान छोटू निषाद पुत्र जलंधर निवासी भीटी रावत थाना सहजनवा एवं दूसरे की सवर सोनकर पुत्र राधे कुमार निवासी मुक्तेश्वर नाथ चक्रा अव्वल थाना राजघाट के रूप में हुई, जिसके पास से 25 लीटर कच्ची शराब, 1 किलो यूरिया और 3 किलो नौसादर बरामद हुआ। उसके बाद हरबट बंधे के पास से एलईडी चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान नीलकेश यादव पुत्र वंश बहादुर यादव निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट के रूप में हुई, जिसके पास से 7 पीस सर्च लाइट, 1 पीस फ्लैक्स लाइट और 4 पीस एलईडी बल्ब, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सीओ कोतवाली ने बताया कि 5 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी अरुण पवार, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी अवधेश चंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक बलराम तिवारी, कांस्टेबल धर्मेंद्र भारद्वाज, पप्पू गौतम, इंद्रजीत यादव, अशोक कुमार, आशीष कुमार, अरुण कुमार भारती, महिला कांस्टेबल शिखा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, घाट में एक सातीर अपराधी नाजायज तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और 4 व्यक्ति नकली शराब लेकर के परिवहन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है।